तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक लचीला और पीट कर परत बनाए जाने योग्य धातु है। ऑप्शन ए सोना। सबसे अधिक लचीला और पीट कर परत बनाए जाने योग्य जो धातु है वो है सोना। नेक्स्ट, सोना निम्नलिखित में से किस अमल में घुल जाता है? ऑप्शन डी अमलराज। सोना जो है वो अमलराज में घुल जाता है। नेक्स्ट, हॉलमार्क का चिन्ह इन उत्पादों पर लगाया जाता है। ऑप्शन बी स्वर्ण आभूषण। जो स्वर्ण आभूषण होते हैं उन पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट, शुद्ध सोना होता है। ऑप्शन डी 24 कैरेट। 24 कैरेट का जो शुद्ध सोना होता है, सबसे शुद्धतम सोना होता है, वो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन बी 75%। जो 18 कैरेट का सोना होता है उसके अंदर सोने की मात्रा 75% होती है। नेक्स्ट, पारा का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन सी सिनेबार। पारा का जो निष्कर्षण है वो सिनेबार से किया जाता है। नेक्स्ट, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी मरकरी। मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मीनामाता रोग किस कारण से होता है? ऑप्शन ए पारा। मीनामाता रोग पारे के कारण होता है। दोस्तों, इन सभी वीडियो का आपको पीडीएफ मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक के, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? ऑप्शन सी पारा जस्ता। पारा और जस्ता जो है वो अमलगम धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? ऑप्शन डी मरकरी। किसी अमलगम का एक घटक सदा मरकरी होता है। नेक्स्ट, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। ऑप्शन सी उच्च संचालन शक्ति। पारा उच्च संचालन शक्ति के कारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन डी आर्गन के साथ मरकरी वेपर। जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है उनमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? ऑप्शन बी चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। चांदी के बर्तनों का कुछ अवधि के बाद काला हो जाने का कारण है कि उन पर सल्फाइड का लेप बन जाता है, जिस कारण वह काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? ऑप्शन सी लोहा। मरकरी जो है उसे लोहे के पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट, शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन ए गैलना। शीशे का निष्कर्षण जो है वो गैलना से किया जाता है। नेक्स्ट, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। ऑप्शन डी लेड। वाहनों के पेट्रोल के जलने से लेड निकलता है जो कि वायु को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? ऑप्शन सी सीसा। नेक्स्ट, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सीसा। जो संचायक बैटरियां होती हैं उनमें सीसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गैलना का रासायनिक नाम है? ऑप्शन सी लेड सल्फाइड। गैलना का रासायनिक नाम जो है वो है लेड सल्फाइड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है?
ऑप्शन बी टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है वो मजबूती में इस्पात के बराबर होता है लेकिन भार में उसका आधा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? ऑप्शन डी टाइटेनियम। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है? ऑप्शन बी गैलियम। गैलियम कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन डी टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग बल्बों में फिलामेंट के तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कठोरतम धातु है? ऑप्शन ए प्लेटिनम। दिए गए विकल्पों में से प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ऑप्शन बी नाइक्रोम का तार। तो दोस्तों, हमारा साइंस टेस्ट हो चुका है कंप्लीट।